तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस कंडीशन ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। तो ये सर्किट तो तुम लोगों को याद ही होगा, याद होगा जो हमने पिछली क्लास में बनाया है ना, जिसमें कि तीन के तीनों चीज़ें लगी हुई हैं। ये हमारा आर लगा हुआ है, ये एल लगा हुआ है, ये सी लगा हुआ है। अब इसके करंट का एक्सप्रेशन भी हमने निकाला था। क्या आया था करंट का एक्सप्रेशन? आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये हमने एज्यूम किया था कि एक्स एल जो है वो एक्स सी से ज़्यादा है, ये चीज़ हमारा एजम्पशन था। अच्छा, तुमको पता है ये जो रेजोनेंस कंडीशन बोल रहा हूँ ये एक्चुअली होती क्या है? पता है ये है कंडीशन किसकी? फॉर मैक्सिमम करंट। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन में तब होगा कोई सर्किट जब उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। क्या ये बात समझ में आई? रेजोनेंस वैसे तुम लोग क्लास 11th में पढ़े हो, थोड़ा बहुत याद होगा। पेंडुलम रेजोनेट करता था, ओपन ऑर्गेन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गेन पाइप, थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। बट ठीक है, उतना डिटेल में नहीं होगा। तो यहाँ हमको पढ़ना है सर्किट पे। तो सर्किट के रेजोनेंस की कंडीशन क्या है कि करंट मैक्सिमम होगा उस टाइम पे, मतलब उस कंडीशन में। अब ये करंट है अपने पास, ये मैक्सिमम कब होगा भाई? आर स्क्वायर को जीरो तो कर नहीं सकते, सर्किट का रेजिस्टेंस हटाना इम्पॉसिबल है। ये आइटम, ये हो सकता है कि एक्स एल माइनस एक्स सी जीरो हो जाए, हो सकता है क्या? तो एक्सएल जो है वो एक्सी के इक्वल हो जाएगा, है ना। एक्सएल कितना होता है? ओमेगा एल। एक्सी कितना होता है? वन बाई ओमेगा सी। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई एल सी मिला क्या? ओमेगा इज इक्वल टू वन बाई रूट एल सी मिला क्या? ओमेगा क्या होता है? टू बाई एफ। तो ये वन बाई रूट एल सी हुआ क्या? तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी कितनी आई? वन बाई टू पाई इंटू रूट एल सी, या ऐसे लिखते हैं वन बाई टू पाई रूट एल सी, बताओ। ठीक है, और इसी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक, जब ये फ्रीक्वेंसी होगी तो देखो क्या होगा, ओमेगा एल और वन बाई ओमेगा सी इक्वल हो जाएगा, और उसके इक्वल होने की वजह से एक्स एल माइनस एक्स सी जीरो हो जाएगा। तो करंट कितनी होगी? ई नॉट बाई रूट आर स्क्वायर होगा, मतलब ई नॉट बाई आर नॉट। ये तो मैक्सिमम करंट आई नॉट ही तो है, सॉरी आर नॉट नहीं, ई नॉट बाई आर। ठीक, तो मतलब क्या हुआ, रेजोनेंस कंडीशन में अपना जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस मिनिमम हो गया क्या? जेड क्या था? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया? ये आर के इक्वल हो गया, जो कि क्या है? मिनिमम है, समझे? तो करंट कितनी होगी? मैक्सिमम होगी। तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर मिला। तो ये कंडीशन हुई ना रेजोनेंस की, कोई दिक्कत इसमें? समझ में आई बात? तो रेजोनेंस कब होता है? जब एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी होता है, जब एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी होता है। और इस टाइम पे जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं कभी कभी। क्या बोलते हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। तो जब एक सर्किट अपना रेजोनेंस कर रहा होगा तो उस टाइम मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, इम्पीडेंस मिनिमम होगा आर के बराबर। तो हमारा सर्किट कैसा बिहेव करेगा? ना तो इंडक्टिव ना तो कैपेसिटिव, कैसा बिहेव करेगा? प्योरली रजिस्टिव बिहेव करेगा। रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी हमको पता चल चुकी है कितना है, वन बाई टू पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, अब अगर करंट मैक्सिमम है तो पावर डेसिपेशन भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि पावर कितना होता है? आई स्क्वायर आर। तो आई नॉट स्क्वायर आर जो होगा मैक्सिमम पावर डेसिपेशन होगा सर्किट में, या फिर ई आर एम एस का स्क्वायर बाई आर। वैसे हम लोग हमेशा इफेक्टिव वैल्यू लेते हैं ना, जब भी तुम लोग देखे हो वो जो बल्ब लेके आते हो, कोई भी चीज़ उस पर जो रेटिंग लिखी होती है ना, जैसे तुम्हारा चार्जर होगा 5 वोल्ट 1.6 एम्पियर, 9 वोल्ट 1.8 एम्पियर, ये क्या रहता है? क्या लगता है ये पीक वैल्यू देते हैं? नहीं, आरएमएस वैल्यू दी जाती है हमेशा हमेशा। ठीक है, ये बात समझ में आई?
इसके अलावा करंट जो होगा वो ईएमएफ के फेज में होगा, क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा करंट और वोल्टेज में या करंट और ईएमएफ में, ठीक है कि नहीं। और ये जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट है ना, इसका एक और नाम है एक्सेप्टर सर्किट। इसका एक और नाम क्या है? एक्सेप्टर सर्किट। इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि ये क्या करता है, ये कई सारी फ्रिक्वेंसीज को अपन अगर मान लो इस पे फीड किए, अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे ईएमएफ अप्लाई किए, तो ये क्या करेगा, ये बाकी सारी फ्रिक्वेंसीज पे तो इम्पीडेंस ज़्यादा आएगा, बट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो होगी उस पर इम्पीडेंस मिनिमम होगा, और ये सिर्फ उसी फ्रिक्वेंसी पे रिस्पॉन्स दिखाएगा, क्योंकि बाकी सारी फ्रिक्वेंसी के लिए जो इसका रिस्पॉन्स होगा वो इतना कम आएगा रेजोनेंट के कंपैरिजन में कि नेग्लेजिबल होगा। अब यही चीज़ अपने को देखना है, तो पहले इसको नोट करेंगे और देखेंगे कि ये जो इम्पैक्ट है ये कैसे आ रहा है। उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग अब नेक्स्ट टर्म डिराइव करेंगे, जो कि है क्वालिटी फैक्टर। पहले नोट करो इसको। चलो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना करंट का रिस्पांस ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी के साथ जो हमको दिखेगा, ठीक है, और मैं रेजिस्टेंस बहुत कम ले रहा हूँ। तो वो कर्व तुमको किस टाइप का दिखेगा पता है? वो कर्व तुमको ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक। अब मैंने क्या किया, मैंने रेजिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो वो कर्व कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस को और बढ़ा दिया, तो और ये कर्व फिर ऐसा फ्लैट दिखने लग गया, ठीक है। तो ये क्या, कब का कंडीशन है, ये लो रेजिस्टेंस पे है, ये मीडियम पे है, और ये वेरी हाई रेजिस्टेंस, जो हाई रेजिस्टेंस है अपना एज कम्पेयर टू दिस वेरी हाई, ठीक। और ये जो पीक मिल रहा है, ये करंट क्या है, आई नॉट, आई नॉट वर्सेस ओमेगा का कर्व है, तो मैक्सिमम करंट कब होगा, ओमेगा आर पे, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है कि नहीं। अब इस कर्व को तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि तुम लोग देख रहे हो कि भाई जैसे रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो करंट का पीक बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो पीक बढ़ रहा है, और रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो पीक घट जा रहा है, ठीक। अब हम एक सर्किट अगर बनाएंगे तो हम तो चाहेंगे वहाँ मैक्सिमम करंट फ्लो हो, क्योंकि हमको तो भाई मैक्सिमम आउटपुट चाहिए ना। तो इसी वजह से यहाँ हम लोग डिराइव करने वाले हैं क्यू फैक्टर, जो कि होता है क्वालिटी फैक्टर, ठीक। तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ सीरीज एलसीआर सर्किट में ही पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल होने को तो ये पैरेलल में भी है, बट पैरेलल का ट्रीटमेंट क्लास 12वीं के स्कोप से बाहर है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीरीज आरएलसी सर्किट की बात करेंगे। तो ये जो शार्पनेस है ना, ये जो पीक का, इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्यू फैक्टर को लाते हैं। किसको लाते हैं? क्यू फैक्टर, ठीक है। क्यू फैक्टर क्या बताता है अपने को? क्यू फैक्टर बताता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, कि रेजोनेंस कितना शार्प है, ठीक है, मतलब पीक कितना शार्प मिला है अपने को, फ्लैट तो नहीं है ना। और ये क्यू का फुल फॉर्म भी क्वालिटी है, इसलिए ये ना सर्किट की क्वालिटी पर आता है। अगर एक अच्छी क्वालिटी का सर्किट होगा तो वो मैक्सिमम ज़्यादा करंट झेल पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्यू फैक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं, तो क्यू फैक्टर का डेफिनेशन मैं पढ़ रहा हूँ, सुन लो। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी टू द डिफरेंस इन टू फ्रिक्वेंसीज टेकन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी सच दैट एट ईच फ्रिक्वेंसी द करेंट एम्पलीट्यूड बिकम्स 1/√2 टाइम्स द वैल्यू एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, ठीक। मतलब क्या है कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो भी है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो भी है, उससे लेफ्ट और राइट एक छोटी एक बड़ी वैल्यू अपने को सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ एक दूसरा ग्राफ बनाता हूँ, उसमें देखेंगे इसको, क्योंकि वहाँ दो दो ग्राफ है तो दोनों के लिए अलग अलग होगा ना पीक, तो मैं दोनों को एक में नहीं ड्रॉ कर सकते हम लोग। तो यहाँ मान लो ये हमारा कर्व मिला, ये हमारा ओमेगा आर है,
और ये मैक्सिमम करंट है और इधर अपना आई नॉट है, ठीक। तो क्या करेंगे, ये मैक्सिमम पीक है, मान लो ये पीक है आई नॉट, जो कि कितना होता है ई नॉट बाई आर, तो इसके 1/√2 टाइम कम करंट कहीं मिलेगी यहाँ पे, मान लो ये वाली वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे जो करंट है वो कितनी है, आई नॉट बाई रूट टू, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखो दो अलग अलग फ्रिक्वेंसी मिल रही है ना, एक मिल रही है अपने को लेफ्ट में जिसको मान लेते चलो ओमेगा वन, और राइट में मिल रही है ओमेगा टू। तो ये दोनों फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का रेशियो होता है क्वालिटी फैक्टर। तो क्यू फैक्टर जो क्वालिटी फैक्टर है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो ओमेगा आर डिवाइड बाई ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, ठीक है। अब अगर मान लो कि दोनों साइड में डेल्टा ओमेगा का चेंज था, कितना का था, डेल्टा ओमेगा का, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन को टू डेल्टा ओमेगा, ठीक है। और ये जो टू डेल्टा ओमेगा है या ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन है, दोनों इक्वल ही हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैंड विथ, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन पढ़ाई में कि मतलब कम्युनिकेशन में अगर पढ़ाई करते हो तो इस पर और ज़्यादा डिटेल में वहाँ पढ़ना, यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ओमेगा टू को क्या लिख सकते हो, ओमेगा टू जो है वो क्या है, ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा वन क्या है, ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, ठीक है कि नहीं। तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। तो बैंडविड्थ मतलब देखो, सुने होगे कभी कि अरे ये हमारा वाईफाई का बैंडविड्थ ज़्यादा है, बैंडविड्थ कम है, तो ये सब बस उसके चैनल का है, ये सब वहीं पढ़ना। अभी यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो खुद का भी दिमाग ख़राब ही करोगे, ठीक। अब ये जो क्वालिटी फैक्टर है, देखो ये फ्रिक्वेंसी अपॉन फ्रिक्वेंसी है ना, अब जब दो चीज़ का रेशियो हम लेते हैं तो क्या वो चीज़ डायमेंशनलेस नहीं मिलती, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वालिटी फैक्टर होगा ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर इसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो अब अपन डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन कैसे आया, क्या क्वालिटी फैक्टर, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ की क्वालिटी फैक्टर की बात कहाँ पे करोगे, जब सिस्टम रेजोनेंस कंडीशन में होगा, ठीक है ना, जब मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होगा, और उस टाइम अपना इम्पीडेंस कितना होता है, उस टाइम इम्पीडेंस आर के इक्वल होता है, अपन ये लिख लिए। देखो इम्पीडेंस जो होता है, करंट की बात करते हैं, करंट कितना है अपना E नॉट बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होगा, XL इज इक्वल टू XC होगा, ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, एट ओमेगा आर XL इज इक्वल टू XC, सो Z इज इक्वल टू आर, ठीक है ना। और ओमेगा वन और ओमेगा टू पे क्या होगा, ओमेगा वन एंड ओमेगा टू पे तो करंट कितना था, रूट टू टाइम्स ऑफ करंट, जितना भी करंट है उसका आई नॉट बाई रूट टू। तो आई नॉट जो था, आई नॉट बाई रूट टू इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर, तो आई नॉट, अरे जितना भी करंट था उसका रूट टू टाइम्स, इसका रूट टू टाइम्स, तो क्या होगा, ई नॉट बाई आर इंटू वन बाई रूट टू, है ना। तो यहाँ से ओमेगा वन और ओमेगा टू पे जो जेड है वो कितना होता है, रूट टू आर, ठीक है। बताओ इसमें कोई दिक्कत, ठीक है ना। अच्छा तो अब ये देखो, हम इस पे केवल बात करते हैं पहले, ठीक है, ओमेगा वन और ओमेगा टू पे। तो इम्पिडेंस होना क्या था, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ठीक। और ये इक्वल किसके होगा, रूट टू आर के, ठीक है, ठीक है कि नहीं। दोनों साइड स्क्वायर करके आर स्क्वायर उधर फेंक दो,
तो ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर के इक्वल आएगा क्या? हाँ या नहीं? ठीक है, तो अब दो चीज़ें मिलेगी, ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। हाँ, तो एक फ्रिक्वेंसी जो है ओमेगा वन एल माइनस वन बाई ओमेगा वन सी इज इक्वल टू प्लस आर ले लेते हैं, और ओमेगा टू एल माइनस वन बाई ओमेगा टू सी इज इक्वल टू माइनस आर ले लेते हैं। अब तुम बोलोगे सर वन टू ऐसे ही क्यों लिए, उल्टा ले लो। उल्टा ले लें, चलो उल्टा ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ना है? कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ठीक, चलो तो आगे देखते हैं। अब ये मिल गया, अब यहाँ से अपने को निकालना क्या, अपने को निकालना है कोई वैल्यू किसकी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन। ठीक, तो अब ये दो एक्सप्रेशन है, इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, ऐड करने पे आर आर गायब हो जाएगा तो एल कॉमन मिलेगा, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू। ठीक ना, और इधर में माइनस वन बाई सी कॉमन मिलेगा तो क्या मिलेगा, वन बाई ओमेगा वन प्लस वन बाई ओमेगा टू इज इक्वल टू जीरो। हाँ या नहीं? तो एल ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू माइनस वन बाई सी ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन ओमेगा टू इज इक्वल टू जीरो। अब ओमेगा वन ओमेगा टू कॉमन है, गायब हो जाएगा, उधर जाके जीरो से डिवाइड होकर जीरो बन जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, एल माइनस वन बाई सी ओमेगा वन ओमेगा टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एल इज इक्वल टू वन बाई सी ओमेगा वन ओमेगा टू, तो यहाँ से ओमेगा वन ओमेगा टू इज इक्वल टू वन बाई एल सी। ओमेगा वन ओमेगा टू इज इक्वल टू वन बाई एल सी, कोई दिक्कत? ठीक, अब एक काम करते हैं, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कौन से दोनों इक्वेशन को? ऊपर के दोनों इक्वेशन को। ठीक है, तो दिस माइनस दिस करते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन टू है, इक्वेशन वन है, ताकि टू आर मिले इस साइड में अपने को, और इधर क्या मिलेगा, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन एल है ना, और इधर क्या मिलेगा, वन बाई ओमेगा वन प्लस माइनस वन बाई ओमेगा टू सी। या तुम देखोगे ये माइनस में है, ये प्लस में होगा, तो अपन क्या करते हैं, वन बाई सी कॉमन ले लें अगर, तो क्या मिलेगा, ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में, तो वन बाई ओमेगा वन माइनस वन बाई ओमेगा टू। देखो मेरे पास स्पेस कम हो जा रहा है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो L इंटू ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन प्लस वन बाई सी ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन ओमेगा वन ओमेगा टू इज इक्वल टू टू आर। ओमेगा वन ओमेगा टू मालूम है क्या, वन अपॉन एल सी, तो L इंटू ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन प्लस वन अपॉन सी, ये क्या है, वन अपॉन एल सी मतलब ऊपर जाएगा, वन अपॉन एल सी ठीक इज इक्वल टू टू आर। ये सी सी कट जाएगा और L दोनों में कॉमन हो जाएगा। अरे एक सेकेंड देखो तो जरा, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन दोनों में कॉमन है, L भी कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, टू एल ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन इज इक्वल टू टू आर, टू टू कटेगा और ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन क्या मिलेगा, आर बाई एल। ठीक है, और हम लोग क्या बोले थे, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है ओमेगा आर अपॉन ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन। ओमेगा आर कितना होता है, वन बाई रूट एल सी, और ये क्या है, आर बाई एल। ठीक, तो क्या होगा, वन बाई रूट एल सी इंटू एल अपॉन आर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये एल जो है वो रूट एल होगा, एक रूट एल करेगा क्या मिलेगा, वन बाई आर रूट एल अपॉन रूट सी, तो वन बाई आर अंडर रूट एल बाई सी। तो ये होगा अपना क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब तुम लोग इसमें एक चीज़ और कर सकते हो क्या, कि पहले इसको नोट कर लो फिर उसको बताता हूँ, पहले नोट करो इसको। तो इधर देखो, मैं यहाँ इसको हटा रहा हूँ, ठीक है,
हम लोग क्या बोले थे, हमारा क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ओमेगा आर अपन ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, ठीक। तो ओमेगा आर, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन क्या आया, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन आर बाई एल आया, तो आर यहाँ एल ऊपर। अच्छा एकदम दिमाग लगाना, ऊपर नीचे आई आर एम एस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है ना, और ये नीचे क्या है, आर आई, जो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा रजिस्टर में, ठीक है कि नहीं। तो ये जो अपना वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल है, वो देखो ये वाला अगर सब्स्टिट्यूट करते तो सी के टर्म्स में भी आ जाता, ठीक है। तो ये वोल्टेज अक्रॉस एल, और ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप इन आर, ठीक है। तो ये दोनों को देखो, तो इसमें ना ये अपना क्या है, वोल्टेज अक्रॉस एल है, और ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप इन आर है, और वोल्टेज ड्रॉप उतना ही होगा जितना हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वोल्टेज ड्रॉप इन आ इन एल, ठीक है। और नीचे क्या है मेरा, अप्लाइड वोल्टेज, तो जितना मैं अप्लाई किया और जितना यूज हुआ है ना, तो ये एक तरीके से वोल्टेज मैग्निफिकेशन नहीं मिला, ठीक है। वैसे वोल्टेज रिडक्शन ही हो रहा होगा क्योंकि ड्रॉप होता है, बट फिर भी वोल्टेज मैग्निफिकेशन ही बोला जाता है। मैग्निफिकेशन कैन बी नेगेटिव, कैन बी स्मॉलर, नहीं नेगेटिव नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन कैन बी स्मॉलर देन वन, मतलब वैल्यू जो ओरिजिनल थी उससे कम हो सकती है, ठीक है। तो हमने ओमेगा आर के वैल्यू निकाल ली, इस टर्म्स में भी सब चीज़ें हमने निकाल ली, ठीक। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत, क्वालिटी फैक्टर समझ में आया। अब किसी ने रेडियो यूज़ किया है, वो बाबा आदम के ज़माने में जो पुराना रेडियो होता था, वैसे करके उसको ट्यूब घुमाते थे नॉब, फिर बोलते थे हाँ लग गया दूरदर्शन चैनल या जो भी है ना। तो उसमें क्या होता था पता है, जो स्टेशन था जो भी, वो क्या करता था, वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती, तुम लोगों ने अगर थोड़ा और एडवांस वाला देखा होगा तो उसमें फ्रिक्वेंसी लिखा भी होता था कई बार, तो जो रेडियो स्टेशन है वो उस फ्रिक्वेंसी पे एमिट कर रहा है रेडियो वेव्स, ठीक। उनसे एनर्जी जो हमारे पास आई वो वेव्स के थ्रू आई, फिर हम अपने एंटीना, रेडियो में एक एंटीना होता है, उस एंटीना के थ्रू उस सिग्नल को कैच कर रहे हैं, और एल हमारा फिक्स होता है, ठीक है भाई। सम मीन्स हम वो जो नॉब घुमाते हैं ना, उससे कैपेसिटर चेंज होता है, और हम लोग क्या करते हैं, ये फ्रिक्वेंसी कहाँ गया, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी है ना, वो फ्रिक्वेंसी को उस रेडियो से आने वाले एग्जैक्ट वैल्यू से मैच करते हैं, जो स्टेशन रिलीज कर रहा है उससे फ्रिक्वेंसी को हम मैच करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे रेडियो में जो एल और सी है वो रेजोनेंस कंडीशन में आ जाते हैं, मतलब उनका इम्पीडेंस खत्म, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम वॉल्यूम, और एकदम क्लियर वॉल्यूम सुनाई देता है। तो ये जो अपना क्वालिटी फैक्टर हुआ या रेजोनेंस हुआ, ये हमारा रेडियो रिसीवर के ट्यूनिंग में भी काम होता, यूज़ होता था। अब तो रेडियो का ज़माना चला गया, बट कॉन्सेप्ट आज भी यही है, कॉन्सेप्ट आज भी वेव्स का यही है हमेशा, कि वेव को हम रिसीव करते हैं और सर्किट को रेजोनेट कराते हैं, मैक्सिमम जो भी आएगा करंट उससे फिर हम अपने जो भी वर्क होता है उसको कैरी करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।